by Athens Productions. Two bridal dresses for wedding and reception by Anila Najmi. Groom's wedding sherwani by Noshaniya. Daily two mobile phones by Advanced Telecom. Gift hampers by Sensation. Daily two complete bari dress packing by Rep and Roll. Shopping vouchers by Masji. Kurtas by Junoon. SMS karne ka tarika. UJP स्पेस दीजिए, कपल का नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और भेज दीजिए 436 पर। जितने ज्यादा मैसेजेस उतने ही ज्यादा जीतने के चांसेस। चल पाकिस्तान को शादी मुबारक पाकिस्तान। इस वक्त हम लेके जा रहे हैं अंदर, यानी अपने उस रूम में जहाँ से आपको दूसरे कैमरे दिखा सकेंगे हमारे दुल्हाओं को। इस वक्त उस कैमरे पे आप दो अदर दूल्हा देख रहे हैं। शाकिर भाई से तो आपकी मुलाकात है ही, आपको पता है कि पूरे जिंदगी अपने बहन भाइयों के लिए काम किया। अम्मा की चूंकि डेथ हो चुकी थी, अब्बा भी नहीं थे तो शादी नहीं हो सकी। थोड़ी लेटर एज में शादी कर रहे हैं और अब जबकि इनको नुसरत मिल चुकी है, इनकी मंगनी हो चुकी है, डेट भी डिसाइड हो गई है इंशाल्लाह ताला, इस तरह से इनकी शादी होने जा रही है लाइव। और दूसरे जो दूल्हा है वो है सेलिब्रिटी दूल्हा, लेकिन आपको नजर दोनों आ रहे हैं। अपने ये ऊपर कर लो वरना तुम्हारा पूरा मुंह नजर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब आपने गेस करना है कि ये कौन से दूल्हा आपको शॉर्ट इनके सिर्फ ऐसे दिखाए जाएंगे। डाकू के गेटअप में कौन है? हाँ, अब ये डाकू के गेटअप में जो दूल्हा है ये आपने पूछना है कि ये दूल्हा है कौन। आइए जी, आइए। साइमा जी मेहमान आई हुई है हमारे यहाँ, नादिया हुसैन आई हुई है। आप ये कौन है? तलवार नहीं भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब इनके पास बटवा भी है, मोबाइल भी है। वालेकुम सलाम। बाजी शायस्ता ये लूट लगा। ये दूल्हा ही है, ये सब नजर आ रहा है। भाई अब दूल्हे भी हिजाब लेने लग गए हैं। ये लाए इसलिए गए हैं कि पाकिस्तान भर इन्हें देख ले और बताए कि कौन से दूल्हा है। ये हमारे सेलिब्रिटी दूल्हा है मगर अभी हमने शक्ल पूरी नहीं दिखाई है। ये तो वैसे लूटने को तैयार है, छुरी लेके आया है। इसको तो मैंने पहचान लिया दो मिनट में, मोबाइल छीनने वाला है ये। छुरी लेके कौन मोबाइल छीनता है? ये गिरने वाला है, नहीं गिरेगा। ये आवाज आवाज आप प्लीज बैठे शाकिर भाई, आप भी बैठे ना। हमारा सही तो नहीं है। अब आप देखिएगा कि है कौन, निकलेगा। इधर देखना, इधर इधर से ये वाली आंख इसकी लाल है, इधर वाली नीली है। ये मुझे वो लग रहा है, इसका नाम क्या? ठहर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम गलत लिया ना। हाँ, ये देखो, ये देखा, ये वो है फैसल कुरैशी। नहीं, जावेद शेख नहीं है वो, फराज जी का नाम ना लिया करो मेरे सामने सुबह सुबह। मैं रोमांटक मूड में आ जाऊंगी। और सलमा जी, नादिया जी, डॉक्टर साहिबा, हमारे ये दूसरे दूल्हा है शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम है जी। वालेकुम। बड़ी बड़ी मुबारक हो, शादी होने लगी है खैर से। बड़ी देर कर दी आपने शादी करने। चलो खैर, शुक्र है अल्लाह का, होने तो लग गई है ना माशाल्लाह। होता लग वो तो दुल्हन की तरह, दुल्हन आएंगी अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा जी, मुबारक, तैयार हो रही है। ढोलकी के लिए भी तो तैयारी। सुल्ताना डाकू, इसका क्या करना है? ये अभी लोग बताएंगे ये कौन सा दूल्हा है, ये कौन है जो दूल्हा हमारा है। ये इस सेलिब्रिटी दूल्हा की असल दुल्हन है कि इस सेलिब्रिटी दूल्हा की असल दुल्हन है? असल दुल्हन। अच्छा। कोई ड्रामा नहीं है, टोटल ओरिजिनल। क्या दूल्हा हमेशा डाकू होता है? नहीं, दूल्हा हमेशा डाकू होता है जो दुल्हन को डकैत करके ले जाता है। वैसे अगर वैसे देखा जाए तो दूल्हा बेचारा डाकू नहीं होता, वो होता है जिसपे डाका पड़ता है। कैसे बात कर रहा हूँ, ट्रक भर के माल ले आते हुए जाके। अच्छा नादिया, तुम्हारी ढोलकियाँ कितनी हुई थी? ढोलकियाँ अवल डांस प्रैक्टिस ढोलकियाँ जो है वो कम अज कम मेरा ख्याल है 15-20 हुई। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी ना, बहुत ज्यादा लंबा एक हमारा मेडली था और तो रोज ऑलमोस्ट है ना 15-20 दिन। अच्छा, अपनी शादी में तुमने डांस किया था या नहीं किया? नहीं, प्रैक्टिसेस के दौरान किया। हाँ। और आखिर में जो है फिर वो जाहिर उठा के ना मेहंदी के दिन वो तो सहेलियों को सिखाया हुआ था कि प्लीज मुझे उठा लेना, अल्लाह करके मुझे उठा लेना प्लीज। सैमा जी, आपको कैसे लगता है जब दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में नाच रहे होते हैं? उनका तो पहले दिन से ही दिल कर रहा होता है कि नाचे, लेकिन लोग बड़ी देर से उठाते हैं। वैसे आप 14 साल की शादी हुई थी जब, तो आप नाची थी? देखे ना, इधर तो ढोलकी बजती है ना कराची में, तो फैसलाबाद में तो ढोल बजते बड़े बड़े। तो चौहान साहब के साथ जब मेरी शादी, तो मैंने देखा किधर था चौहान साहब को, मुझे क्या पता कौन है। अम्मी ने कहा था कि पिछली गली में जो आसपास तालियां रहती है ना, उनकी पुप्पी का लड़का है, हमने तुम्हारा रिश्ता कर दिया।
तो जिस वक्त साहब ने घूंघट खाया तो मेरी चीख निकल गई थी। ये सारे ढोल बज गए दो। हाँ और क्या, मगर चलो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा फिर कर लेता गुजारा। फिर चौधरी साहब बड़े होके अच्छे हाँ। निकल आए थे बाद में, बहुत अच्छे निकले। ये इन्होंने मुस्तकिल रुख आपकी तरफ किया हुआ ऐसा तलवार, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। वैसे की अच्छी है, इससे मैं भिंडिया भी काट सकती हूँ, मुझे बाद में दे देना। अच्छा बेटा आए तो डॉक्टर आए, मैंने इसको बेटा कह दी, क्या पता मेरे से बड़ा ही हो, अंदर से क्या चीज निकले। बात ना तुम औरंगजेब लगा रही तो नहीं हो? अरे आप बदली आप पूछती रहे ना कौन है, क्या पता कौन निकले। मैं सुन रही हूँ। अच्छा कॉल करनी शुरू कर देगी हमारी ढोलकी में, आप भी शामिल हो। और ढोलकी की दो टीम, एक यहाँ और एक वहाँ बैठ चुकी है। अब ना जाने इसमें से कौन सी टीम की लीडर होंगी। साइमा जी कौन, आपको लड़कियां पसंद करनी पड़ेंगी चुन के। और अगर मैंने लीडर ही बनना तो मैं तो सियासत में खड़ी होना चाहती हूँ। अच्छा आप सियासत में भी खड़े होना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अगले इलेक्शन में टिकट लेके तो मैं अपना खुद की पार्टी की वो बन जाऊँ लीडर। और इंतखाब भी निशान होगा छुरा। रहने दे भाई, तलवार अपने पास से रखी, ये जिनके पास तलवार है ना उनकी तलवारों को जंग लग गए हैं। रहने दे, हम अपना कोई अच्छा पक्की निकाल लेंगे अपना इंतखाबी निशान। कोई और आया, उन्हें लेके आया, लोग ही आए जा रहे हैं आपके घर, बड़ा मेहमान पड़ गया आपको। हमारे यहाँ मेहमान है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है मेहमान। अच्छा भाई वैसे आजकल इतनी ज्यादा रहमत नहीं, खर्चा बड़ा हो गया, महंगाई बहुत है। चलो ठीक है बुला लो जिसको बुलाना। कोई अभी हम ये भी पूछेंगे कि नादिया की जो शादी थी उसमें कितने लोगों की गैदरिंग थी, कितनी थी वैसे? मुझे तो नहीं था ना बुलाया। आप कैसा बाद में थी हाँ, ना तो टिकट भेज देती तो मैंने आ ही जाना था। चलो खैर बुला लो। 600 लोग, 1000 लोग। नहीं मेहंदी के दिन जो थे ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 300। हाँ एंड शादी के दिन आई थिंक 500-600। ओके शादी के दिन 500-600 तो होते हैं आजकल। चलिए जी बुलाते हैं लालेश्वर अभी को। हेलो सलाम। पठान मेहमान आ रहे हैं, पठान मेहमान आ रहे हैं। हाँ ये तो लड़की है, मैं समझी को लाला आ रहा है। ठीक ठाक, ईद मुबारक। नहीं बड़े अगली वाली जो आने लगी है, बकरा ईद, बकरा ईद कोई भी ईद मुबारक। कितनी प्यारी लग रही है, आप लोगों ने लंबे लंबे मेहमान बुलाए आज। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, चलो मैं इधर बैठ जाती हूँ, तुम उधर बैठ जाओ, तुम छोटी हो मैं बड़ी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा वो मुझसे सब कह रहे हैं कि टेलीफोन कॉल आए जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि साइमा चौधरी के हुस्न की असल सीक्रेट क्या है, असल सीक्रेट रेसिपी आपके हुस्न की क्या है। बस मैंने कभी जरूर तो किया नहीं है, लेकिन ये कि सुबह सुबह उठ के ना एक चीज अपने मुंह पे मल लिया करें, अंडा लें उसके अंदर डालें गधे की पूंछ का पाउडर और उसके अंदर डालें पुदीना, पुदीने में इतना खूब अदरक डालें, अदरक अंडा गधे की पूंछ का पाउडर तो उसमें तारे मीरे का तेल, ये सारी चीजें आप इनको कर ले यक जाओ ऐसे करके ना, तो ये लेप करके मुंह पे बैठ जाए, घंटे बाद आप मुंह धोए तो देखे ऐसा मुंह होता है। ये हमारे पास कई डॉक्टर बताते हैं ना तरकीबें, ऐसे बताते हैं बंदा पूछ सोचता ही रह जाता है ना रुक। मैंने कितने तसल्ली से आपको बताया, आराम से लिख ले पेंसिल कागज ले। बस मर्दों का तो अल्लाह करे मुंह ही धुलता रहे तो बड़ी बात। मुंह धो रखे अपना। दादी क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है बिल्कुल। और आपको आपको आज हम ढोलकी में बुला के अपनी वाली ढोलकी याद करा रहे हैं जब तुम्हारी ढोलकी हुई थी। हाँ। नादिया बता रही है इसकी तो 15-20 हुई थी, तुम्हारी कितनी हुई थी? हमारी भी कुछ ऐसे ही थी, और क्योंकि हर ढोलकी पे जो है वो डांस प्रैक्टिसेस होती थी। हाँ, तो ऊपर तो डांसेस हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे और मैंने खुद भी डांस किया था। अच्छा जी अपनी मेहंदी पे मैंने सुमेरे ये मेरी शर्ट थी। हाँ। मेरी मेहंदी मैंने देखा है कि जब दूल्हा दुल्हन खुद इन्वॉल्व होते हैं ना तो लड़के लड़कियों में एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। यार इनकी और मतलब खुद कर रहे हैं ये लोग दुल्हन 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 कोई शौक ही नहीं है डांस करने। अच्छा तो शादी का ही शौक पूरा हो गया होना, तो उसको क्या डांस का शौक होगा, इतना ही शौक बड़ा। वो बेचारा बिजनेस में अपने मसरूफ है ना। हाँ शुक्र है अल्लाह का, हम भी अपने बिजनेस में बड़े मसरूफ हैं। फारिग तो नहीं थे जो आपने बुला लिया हमें? नहीं नहीं आसमा जी आपके आने से तो हमारे घर में बाहर आ गई, ढोलकी में बाहर आ गई। मैं तो सोचती थी आज सारी लड़कियों से कहूँ कि आपसे पूछें और आपसे रिक्वेस्ट करें कि आपके डिजाइन पहने अगली दफा। हाँ पहन लेना। अच्छा सुनो तुमने अच्छे पहने ले कपड़े, लेकिन मेरे कपड़ों वाली बात नहीं है, आई एम सॉरी। माशाल्लाह होता अच्छी लग रही हो,
लेकिन वो बात जो साइमा चौधरी के डिजाइन में होती है वो माशाल्लाह होता ना नहीं है। अच्छा तो जाले हम ढोलकी की बात करें, ढोलकी की सबसे ज्यादा रौनक लड़के और लड़कियाँ लगाते हैं। बिल्कुल है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और ढोलक और गाने और डांस वगैरह यही ढोलकी है और इसी से जो है वो ऐसी फेस्टिविटी स्टार्ट होती है। अच्छा आई थिंक बट लड़की घर वालों की सबसे ज्यादा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इससे। हाँ। काफी क्योंकि ये भी ढोलकियां भी इसी तरह ट्रीट की जा रही होती हैं आजकल जैसे मेहंदियां और मायों ट्रीट किए जा रहे हैं। हाँ। है ना। यहीं पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले आपको दोनों दूल्हा दोबारा दिखा दूं कि एक दूल्हा जो है वो उसका मुंह अभी खुला ही नहीं है। मैंने पहचान लिया, मैंने बताया शबीर जान है इसके अंदर। शबीर जान है इसके अंदर। वही मैं मिलेगा नाम बिल्कुल मिले एक अदद गाड़ी मिलेगी जिसमें डायरेक्ट फैसलाबाद जाएंगे। अच्छा पेट्रोल होगा उसमें? बिल्कुल क्या मतलब है? मैं जिस रिक्शे में आई सीएनजी रिक्शा था पर फैसलाबाद से सीधा कराची लेके आया मुझे। अच्छा अब यहीं पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ये दूल्हा आखिर है कौन। अगर आपकी या आपके किसी रिश्तेदार की होने वाली है शादी तो SMS कीजिए और जीतिए डेली वन ब्राइडल मेकअप बाय सैब सलोन, डेली वन ग्रूम्स मेकअप बाय सैब सलोन, डेली वन कंप्लीट फोटो एंड वीडियो कवरेज ऑफ द इवेंट बाय आसन प्रोडक्शन, टू ब्राइडल ड्रेसेस फॉर वेडिंग एंड रिसेप्शन बाय अनीला नजमी, ग्रूम्स वेडिंग शेरवानी बाय नौशनिया, daily two mobile phones by Advanced Telecom, gift hampers by Sensation, daily two complete bari dress packing by Rep and Roll, shopping vouchers by Marji, kurtas by Junoon. SMS karne ka tarika UJP space dijiye, couple ka naam likhiye, shahar ka naam likhiye aur bhej dijiye 436 par. Jitne zyada messages utne hi zyada jeetne ke chances. To shaadi mubarak Pakistan. जब के हमारे दोनों दूल्हा तो आ ही चुके हैं आप लोगों के सामने, एक दूल्हा ने अभी चूंकि अपना पूरा दीदार नहीं कराया, वो आपको गेस करना है, थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है कि ये कौन है। एक दुल्हन जिसको हम छुपा के लाए हैं, सिर्फ और सिर्फ छुपाने की इस वक्त आज ढोलकी के दिन रीजन जो है वो आपको मालूम है। हमने कहा आप गेस करें कि ये दूल्हा दुल्हन जो कि जिनकी इस स्टूडियो में इंशाल्लाह ताला शादी होने जा रही है लाइव, और खासतौर पर ये शाकिर भाई और नुसरत भी आप लोगों के सामने हैं, इनसे आपकी मुलाकात पहले हो चुकी है इस शो में और पता भी है आप लोगों को कि इनकी शादी होने जा रही है। इस कपल को आज आपने बूझना है, गेस करना है कि ये कपल कौन है, और जिसने गेस कर लिया तो फोटो जाको पाकिस्तान की टीम की तरफ से स्पेशल प्राइज मिलेगा, बहुत सारे और प्राइजेस।